बलरामपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजन में पदस्थ बीएमओ ने अपने ही अस्पताल के दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारी पर चाय डाल दिया। इस घटना के बाद पीड़ित महिला कर्मचारी काफी डरी हुई है और उसने अस्पताल जाना भी बंद कर दिया है। पीड़िता तरसीला बेग अस्पताल में एनआरसी सेंटर में खाना बनाने का काम करती है। आज भी वह खाना बनाने पहुंची थी, तभी अस्पताल के बीएमओ कामनी राय ने पीड़िता को चाय बनाने के लिए कहा। तरसीला जब चाय लेकर पहुंची तो वहां बैठे अस्पताल के डीपीएम ने तो चाय पी लिया, लेकिन बीएमओ मैडम को चाय पसंद नहीं आई। उसने कहा कि चाय में शक्कर ज्यादा है और अपनी जूठी चाय महिला कर्मचारी को जबरदस्ती पीने को कहने लगी। महिला कर्मचारी के मना करने पर गुस्से से थमथमा रही बीएमओ कामनी राय ने चाय उसके सिर पर डाल दिया और उसे धमकाया भी, इसकी शिकायत किसी से भी कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। घटना के बाद से सहमी महिला कर्मचारी ने इसकी शिकायत अब तक किसी से नहीं की है और कलेक्टर को पूरी घटना मिलकर बताने की बात कह रही है। वही बीएमओ पर पूर्व में भी कई आरोप लग चुके हैं। अस्पताल में पदस्थ स्वीपर से मारपीट का भी आरोप लग चुका है, साथ ही और भी कई आरोप उन पर लगे हुए हैं। रामानुजन स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ से उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सरासर निराधार आरोप है। वह हमसे अनुभव बनाने की बात कह रही थी, मैं उसे एक सिरे से खारिज कर दी, इसी देश से मेरा नाम खराब करने के लिए वह कंप्लेन कर रही है। बहरहाल देखना यह है कि सच कौन बोल रहा है। बाद में कप लेने के लिए गई और मैडम चाय नहीं पी थी और डीपीएम सर पी लिए। मैं जैसे कप उठाने के लिए वही मैडम बोलती है कि नहीं उठाओ, तो मैं छोड़ दी और उसके बाद में बोलती है कि तुम कप उठाओ और पियो। मैं बोली जी मैडम मैं नहीं पीती चाय दूध का, तो सर बोलते हैं अरे, मैं बोली जी सर नहीं पीती हूँ मैं। तो मैडम उठ करके कप छीन करके हाथ से और सिर्फ सर पे डाल दी और सर बोलने लगे कि चुपचाप तरसीला चले जाओ, तुम यहाँ से किसी से नहीं बोलना, अगर बोलोगी तो तुम जानोगी। और मैडम बोली किसी से भी बोल दो, मेरे कोई परवाह नहीं है, मामला नहीं है। चाय टेबल पर रखा था, चाय एकदम ठंडा हो गया था, पेशेंट एकदम ठंडा हो गया, तो मैं वही पानी पीने के लिए बॉटल उठाई तो उससे क्या चाय उलग गया टेबल पर। तो फाइल को बचाने के चक्कर में मैं हाथ से पूरे चाय को नीचे फेंकने लग गई, वो कब नीचे झुक के चाय को उठाने लग गई वो मैं ध्यान नहीं दी, तो हाथ से ऐसे करने में उसके ऊपर एक छुट्टा पड़ गया होगा। और जो भी आरोप लगा रही है सब गलत है। वो बहुत तरीके से ब्लैकमेल भी की थी कि मेरा अनुभव बना दीजिए, अनुभव मैं उसका नहीं बनाई, बोली कि देखिए उसका अनुभव नहीं बनता है। तो अनुभव बनाने के लिए मैं उसको दो दिन पहले मना की थी, तो वही सब का उत्साह निकाल रही हूँ कि मेरा अनुभव प्रमाण पत्र मैडम बना के क्यों नहीं दी। फिर मेरे से घर भी मांगी थी, एक मुफ्त में घर रहने के लिए दी थी, रहने के लिए कोई रेसिडेंस खाली नहीं थी, घर भी नहीं दी। सर ये सब तो वैसे कोई इसको मिसगाइड किए कैसे करो, गलत आरोप मेरे पर लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है।